अक्सर मुझे खामोश दुनिया कहते हैं। मैं सब दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अपनी मोहब्बत भरी कीमती आमद हमें दी और हमें मेहमान नवाजी का शर्फ बख्शा। जिस अंदाज में पिछले साल हमारे दोस्तों ने, जिनके साथ मैं भी शामिल रहा, बेशक दूर थे लेकिन दिल पास थे, गाहे बगाहे रब्ता रहा, हालात से हम जिस अंदाज में जिस हाल में तड़पते रहे, लेकिन हम ऐसे ही महसूस करते थे कि हम इनके पास हैं। एक इनकलाब भरपा किया गया प्रेस क्लब में इलेक्शन की सूरत में। वो तमाम के तमाम दोस्त जिन्होंने ये आलम उठाया और जिन्होंने अपनी मोहब्बत भरी अजान प्रेस क्लब में सहाफ़ती बरादरी की हकूक़ की तर्जमानी के लिए उठाया, उन सबको मैं एक मरतबा फिर खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उनकी इस आवाज़ ने बहुत से मज़लूम लोगों को जीना सिखाया और बहुत से लोगों को ये फैसले समझने पड़े कि वाकई हमारी कितनी कदर व कीमत है। गो थोड़े से बंदे थे, मेम्बरान थोड़े थे, लेकिन काम बहुत बड़ा कर गए। तब मेरे जहन में एक शेर था, लेकिन ख्वाहिश थी कि जब सब मिलेंगे उस वक़्त पढ़ने का मज़ा आएगा। जनाब पीरो मुर्शद महमूद बिस्मिल साहब की नज़र ये शेर के साथ ये इजाज़त चाहूँगा। फर्दन फर्दन शुक्रिया इसलिए अदा नहीं किया कि जनाब गुलजार चौहान साहब मेरे भाई, इन्होंने फर्दन फर्दन कर दिया और आपकी आमद मेरे लिए मेरा कीमती असासा है। राय साहब, आपने जिस अंदाज के साथ प्रेस क्लब में अपनी मोहब्बत का प्रचार किया, आपकी प्रचार को सामने रखते हुए बहुत काबिले गौर अल्फाज हैं। मसीहा आप हैं जेरे इलाज हैरत है। मसीहा आप हैं जेरे इलाज हैरत है, ये कुए इश्क के उल्टे रवाज हैरत है। बात समझने की है। मसीहा आप हैं जेरे इलाज हैरत है, ये कुए इश्क के उल्टे रवाज हैरत है। मेरे दिमाग की बाबत बुजुर्ग कहते हैं, मेरे दिमाग की बाबत बुजुर्ग कहते हैं, जरा से खेत में इतना अनाज हैरत है। खेत में पांच दोस्तों से शुरू होने वाला काफला आज कई 5,000 को सलामी देगा इंशाल्लाह। जरा से खेत में इतना अनाज हैरत है। अल्लाह ताला इंशाल्लाह वल अजीज हमारी मदद फरमाएगा और अल्लाह के फजल व करम से ये काफला बढ़ता जाएगा। एक नज़र हमारी सिर्फ जो प्रेस क्लब में सहाफ़ती हकूक और इज्जत नफ्स का पासदार आजाद मीडिया ग्रुप। वेल डन, वेल डन, वेल डन। हमारा नारा है और इसी पे हमने अमल करना है। तमाम दोस्तों का शुक्रिया।